हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामेटिकली एडवेंचरस। आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट टू ऑफ द टैंक म्यूजियम और जो सारी चीज़ें मैंने देखी। ओके गाइस, तो अब तक मैं जितने भी टैंक्स देख रही थी, इट वाज ब्रिटिश मेड। दिस इज़ द फर्स्ट टैंक विजयंता विच इज़ मेड इन इंडिया। इसका क्लोजर लुक ले लो। पीछे लगा दूंगी। ये टैंक पानी में चलता है एंड इट कवर्स 10 किलोमीटर्स इन 1 आवर। गाइस, जैसा मैंने बोला था, ये दिखने में अगर आपको छोटा लग रहा होगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये छोटा नहीं है। प्लीज़ पानी की बॉटल कैरी करना, मैंने नहीं की थी। और अब हम सुपर थर्स्टी, सुपर सुपर थर्स्टी। एंड वन मोर टैंक। गाइस, ये जो हरकत मैं भी कर रही हूँ, बिल्कुल भी मत करना। बहुत हैवी है गाइस, इट्स लाइक लिफ्टिंग वेट्स। बहुत 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 हैवी है। ओके गाइस, मैं और मेरे मामा पूरा म्यूजियम घूम चुके हैं। इतनी सारी टैंक्स है, आपको आना ही चाहिए बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेटिव है और अपने देश के बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए। क्या बोलते हो, कुछ तो बोलो। ये तो देश का है, अपना देश है, इसके लिए तो आना ही चाहिए। ओके गाइस, बाय। ऐसे गाइस, खत्म हो गया। अब मैंने ना टाइम नहीं चेक किया कितना टाइम लगा है, बट आई फील 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। 2-3 घंटे लेके आओ, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, तो 2-3 घंटे इनफ है सारा इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करने के लिए। ओके देन, हम जा रहे हैं, अब निकालेंगे। बस एक बाहर रोल्स रॉयस वाला टैंक है, उसके बाद पिक्चर निकालेंगे। एंड इफ अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और अगर आफ्टरनून टाइम में आते हो, तो आप शाम को या ये ख़त्म करने के बाद, यहाँ पर फरियाबाग भी है, इट्स अ फोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। ओके बाय। जॉनी अनजानी थोड़ी सी दीवानी, दीवाना सबको बना दे अपनी सिमरन।